आप पहले जो आप प्रोडक्ट सेल करती है ना, वो ऐसे करती है कि भाई प्रोडक्ट की वीडियो बनाई, उसके ऊपर किसी का अपने मोबाइल नंबर लिख दिया, या उसको लीड बना दिया। लीड बना दी कि आपको लीड मिल गई है, फिर आप उसे अपने CRM के थ्रू उन्हें ट्रैक करती हैं, या फिर कॉल बैक सिस्टम्स हैं आपके, या कोई बंदा ऑर्डर प्लेस कर देता है तो फिर आप ऑर्डर कन्फर्म कर देते, वो उस खाते रिलेटेड रहता है। लेकिन इस दफ़ा आपका कनेक्शन है अमेजोन के साथ, प्रोडक्ट जो बेचने जा रही है वो कहाँ पर है, अमेजोन पर लिस्टेड है, और प्रोडक्ट पड़ी कहाँ पे है, अमेजोन के वेयर हाउस में, और अमेजोन का वेयर हाउस कहाँ पे है, US में। अब प्रोडक्ट वहां से आपने भेजना है, और बायर कौन है, US सिटीजन है, US के लोग हैं। दूसरी बात ये, अपने ये दो कड़ियां हैं आपस में जुड़ी हुई, दूसरी बात ये कि आपको अमेजोन की प्रोडक्ट जो अमेजोन पे भी अमेजोन के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म चला के बिक सकती थी, उसके लिए हमें सोशल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें अब लेदर ग्लव्स, मेरी प्रोडक्ट लेदर ग्लव्स, लेकिन लेदर ग्लव्स में और बहुत सारे अदर कीवर्ड्स हैं, जिस तरह लेबर लेदर ग्लव्स कह लें, या उसके बाद आप हैवी ड्यूटी, लेट्स से ये दो कीवर्ड्स को हम देख रहे हैं, हैवी ड्यूटी लेदर ग्लव्स या उसके साथ मेंस लेदर ग्लव्स, ये दो कीवर्ड्स को। अब हम आपके जो सोशल मीडिया के अंदर अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन को उन कीवर्ड्स के साथ मैच करते हैं। अब जब हमने फेसबुक का ऐड चला और नीचे बटन आ गया कि भाई परचेज या लर्न मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो सब द टाइम या लिखा होता है बाय नाउ या गेट इन्फो का बटन बना होता है, अब वो जो लिंक होता है उस लिंक के अंदर अमेज़न का जो कीवर्ड है, जिस तरह हैवी ड्यूटी लेदर ग्लव्स है और हम उस पर ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो उसका डाटा इंटीग्रेट करते हैं उस लिंक के अंदर, उस लिंक को हम हाई डेफिनेशन डायनेमिक लिंक बना देते हैं, और जब जब भी कोई उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करता है तो अमेज़न को इन्फॉर्मेशन जाती है, मैसेज जाता है, क्या हैवी ड्यूटी लेदर ग्लव्स की सर्च के अंदर इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ये अमेज़न को मैसेज जाता है, इस प्रोडक्ट को ज़्यादा देख रहे हैं या इस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल्स आ रही है, तो अमेज़न को जब ये मैसेज आता है, जिसकी वजह से अमेज़न आपकी प्रोडक्ट की एक रैंकिंग भी कर देते हैं, जिसके पीछे मकसद हमारा ये है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट खत्म हो जाए, क्योंकि अमेज़न अगर अच्छी रैंकिंग हो जाए तो अमेज़न खुद आपकी प्रोडक्ट को रिकमेंडेड पेजेस पे डाल देता है।